दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से आज जीवनोत्साह न्यूज़ पर। और जैसा कि आज का माहौल जो चल रहा है आप सब देख ही रहे हैं, कोरोना महामारी को लेकर पूरे देश के अंदर लॉकडाउन कर्फ्यू जैसे हालात हैं। सरकारें हर एक प्रयास कर रही हैं कि इन सभी समस्याओं से निकला जा सके। अब इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, निकलने के लिए जो समय लगेगा उसमें हम सब लोगों को भी सहयोग करना पड़ेगा। लेकिन एक बड़ी समस्या उन लोगों के साथ में जो लोग हिमाचल से बाहर रहते हैं, नौकरियां करते हैं, दिल्ली में रहते हैं, चंडीगढ़ में रहते हैं, बद्दी में रहते हैं। बहुत सारे लोगों के कॉल आ रहे हैं, बहुत सारे लोग अपनी व्यथा बता रहे हैं और ये बता रहे हैं कि हम किसी भी तरह से घर पहुंचना चाहते हैं। सबसे पहले तो उन लोगों से मेरा निवेदन है कि सरकार ने आप लोगों के लिए हर तरह का प्रयास करने का प्रयास किया है, किसी तरह की कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर लैंडलॉर्ड आपको रेंट के लिए परेशान कर रहा है तो भी आप वहाँ पर पुलिस की सहायता ले सकते हैं, या फिर आपको कहीं से अभी खाना नहीं मिल रहा है या आपको कोई खर्चे की आवश्यकता है या दिक्कत है तो जिस कंपनी में आप जॉब करते हैं आप उसको कह सकते हैं, या फिर पुलिस के माध्यम से उनसे संपर्क करके उनसे सुविधा ले सकते हैं। वैसे तो हर एक चीज़ है, लेकिन अभी कुछ लोग ये कह रहे हैं कि लोग पैदल ही चल पड़े हैं, घर से निकल चुके हैं। ऐसे लोगों के लिए अब बड़ा मुश्किल है समझना कि सरकार कैसे करती है। अभी यहाँ पर अगर हम ऐसे समझें इसको तो इस बात को कैसे जस्टिफाइड करेंगे कौन लोग कहाँ हैं। तो सरकार इसको लेकर क्या प्रयास कर रही है, हमारा जीवनोत्साह न्यूज़ के माध्यम से चारों तक पहुँचाने का प्रयास है कि अगर ऐसे कुछ लोग जो हिमाचल से बाहर हैं और वहाँ से वो आना चाहते हैं तो क्या उनकी कोई व्यवस्था की जा सकती है या फिर सरकार को करनी चाहिए, ये थोड़ा सा बड़ा विषय है। इसको लेकर हमारी बात हुई बड़सर के विधायक इंद्रत लखनपाल जी से और उन्होंने भी अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए प्रयास किया है। और मैं आपको पहले वो बात सुनाऊंगा, उन्होंने क्या कहा सरकार से, किस तरह से लोगों के लिए उन्होंने सोच रखी है। चलिए पहले उनसे बात करते हैं और सुनते हैं उनकी बात। जैसे कि आपने एक मुद्दा भी उठाया है, हमारे पास भी बहुत सारे लोगों के कॉल आ रहे हैं कि जो लोग शहरों में फंसे हुए हैं क्योंकि आज उनकी नौकरियां नहीं है और पीजी वाले भी उनको निकालने की बात कर रहे हैं, आपके माध्यम से भी इस बात को उठाया गया है, क्या कहना चाहेंगे सर सरकार को इसको लेकर? देखिए रमेश जी, मैंने पिछले कल भी अपने जो माननीय उद्योग मंत्री हैं वीरेंद्र कंवर जी उनसे भी बात की मैंने इस संदर्भ में, और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी बात की थी, और अपने जो मुख्य सचिव हैं हिमाचल प्रदेश सरकार में उनसे भी बात की थी। मैंने उनसे यही निवेदन किया था कि जो हमारे लोग, जो क्योंकि हमारे हिमाचल के लोग काफी मात्रा में बाहर नौकरी करते हैं और काफी छात्र छात्राएं भी पीजी में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन अब समस्या क्या आ रही है कि जो पीजी सेंटर वाले हैं वो बच्चों पे दबाव डाल रहे हैं कि आप हमारा पीजी सेंटर खाली करो, और दूसरे जो बच्चे बाहर काम करते थे, जो होटलों में ढाबों में खाना खाते थे, उनको बहुत समस्या आ रही है क्योंकि होटल ढाबे सब बंद हो गए, अब उनके पास कोई खाने का, खाना बनाने का साधन नहीं है, और इसके चलते जो है वो बच्चे बीमार हो रहे हैं, और इससे तो ऐसा लगता है कहीं ये कोरोना की वजह से कहीं ऐसा ना भूखमरी पैदा हो जाए, क्योंकि हमारे हिमाचल के बहुत लोग बाहर जॉब करते हैं, हमारे अपने विधानसभा क्षेत्र से कम कोई 10-15 हजार लोग बच्चे जो है बाहर हैं। अब वो रोजाना मुझे भी फोन कर रहे हैं और मैं प्रशासन से लगातार बात कर रहा हूँ, लेकिन सरकार जो है वो इस बारे में कोई उचित कदम नहीं उठा पा रही है, और ये बात उन्होंने मुझसे जरूर कही है उद्योग मंत्री महोदय ने, जो भी ऐसे बच्चे जो जिनको खाना नहीं मिल रहा है या कोई ऐसी है वो हमसे डायरेक्ट बात करें तो हम उनकी समस्या का समाधान करेंगे, उनको वहीं पे खाना इत्यादि उपलब्ध करवाएंगे। मैंने तो सरकार से ये कहा था, अपने जो विपक्ष के नेता उनसे भी मैंने बात करी थी कि आप कृपया करके इन बच्चों को यहाँ लाने के लिए, अपने घरों पर पहुँचाने के लिए कोई व्यवस्था करें, ताकि वो बच्चे सामने अपने घर पहुंच जाए, बीमार न हो, ऐसा न हो कि वो लाल इलाज बीमारी उनको वहाँ जकड़ ले। जी सर, क्योंकि अभी ऐसे ही हमारे यहाँ पर भी काफी लोग प्रवासी हैं, वो मुझे फोन कर रहे हैं, उनको राशन नहीं मिल रहा है, पानी नहीं मिल रहा है, तो मेरा प्रशासन से भी आग्रह है कि वो देखें कि जहाँ जहाँ पे प्रवासी लोग रह रहे हैं या जो हमारे हिमाचल के लोग बाहर रह रहे हैं उनको लाने का प्रबंध करें। अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने और उत्तराखंड सरकार ने प्रयास किए हैं जो अपने लोगों को वापिस ले जाते हैं, उसी प्रकार से हिमाचल प्रदेश भी इसमें कदम उठाए और जो हमारे लोग, जो बच्चे बाहर हैं
उनको उसकी चिंता करके उनको 32 अपने घर में भेजे। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो दोस्तों आपने सुना, विधायक इंद्र लखनपाल जी ने सरकार से इस बारे में बात की भी है और सरकार अब इस पे क्या बात करती है, कोशिश करेंगे किसी नुमाइंदे से अगर बात की जाए उनसे पूछेंगे कि जो लोग बाहर रह रहे हैं, जो लोग हिमाचल से बाहर हैं उनके लाने की व्यवस्था का भी कोई इंतज़ाम किया जा रहा है या फिर उनके लिए क्या आदेश है, ये जो है वो हम प्रयास करेंगे आपके बीच में लाने का। फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ में इसी तरह से और पालन कीजिए नियमों का। कोरोना एक ऐसी महामारी है जिसको रोक पाने के लिए केवल एक ही कार्य काम करता है और वो है लॉकडाउन, वो है कर्फ्यू और वो है आपका सोशल डिस्टेंसिंग। अगर आप घर से बाहर नहीं निकलेंगे तो ये बीमारी आप तक नहीं पहुंच सकती, ये महामारी आप तक नहीं पहुंच सकती। और अगर आप तक नहीं पहुंचेगी और आप बाहर नहीं निकलेंगे तो आप भी किसी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। बने रहिए आप इसी तरह से हमारे साथ में, हम प्रयास करेंगे कोरोना महामारी के चलते जो कर्फ्यू के दौरान आपके क्षेत्र की समस्याएँ हैं, आपके क्षेत्र में जो जानकारी है वो आप तक पहुंचाई जाए। हम प्रयास कर रहे हैं ईमानदारी से आप लोगों को हर एक चीज की जानकारी दी जाए। धन्यवाद आपका।